आज हम आए हैं रिवरलैंड दुबई पार्क एंड रिजॉर्ट में, एक जगह बहुत खूबसूरत जगह है। अभी हम इब्ने बतूता माल से बस पे आए हैं, DPR 1 नंबर बस आती है, अंदर जाके हम दिखाते हैं आपको, बहुत खूबसूरत। प्यारा एरिया है सारा इसका, ये मिलता है आपको स्टार्टिंग में। एक्चुअली इधर बॉलीवुड पार्क भी है, ये बहुत बड़ा एरिया दुबई पार्क एंड रिजॉर्ट का। इधर बॉलीवुड पार्क है, मोशन गेट है, यहाँ पे राइड्स वगैरह हैं, लेगोलैंड भी इधर ही है पार्क, और ये बोर्ड वॉक भी इधर ही है। तो बॉलीवुड पार्क में मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, ये कार्ड में मैं मेंशन कर दूँगा। जगह आपको नज़र आ रही है, ये है फ्रेंच विलेज, ये फ्रेंच यूरोपियन स्टाइल के यहाँ पे विले बने हुए हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे जाके मज़ीद। तो यहाँ पे एक लेक बनी हुई है, यहाँ पे बोट राइड्स भी हैं, लेकिन अभी शायद क्लोज है। Now we are in Europe without visa. You can just take taxi or bus from Ibn Battuta Mall and you are good to go in Europe. So it's really easy. You no need visa, no need any aeroplane ticket. It's just easy. फ्रेंच विलेज, यहाँ से फ्रेंच विलेज स्टार्ट हो चुका है, हम आगे इसके थोड़े से और विले हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत प्यारा एरिया है, सब यही वाला है, सबसे ज़्यादा प्यारा ये एरिया। Irish village Dubai, so this is all Irish village. Irish village हम क्रॉस कर चुके हैं, अभी दूसरी साइड में जा रहे हैं, अभी वो बॉलीवुड पार्क का एरिया है वो दिखाता हूँ मैं आपको। बॉलीवुड पार्क तक चले क्लोज है, उसके सराउंडिंग दिखाता हूँ।
इंडिया जो है दुबई बॉलीवुड पार्क्स एंड रिसोर्ट का, उसमें चार पांच अट्रैक्शन है, एक मोशन गेट है, एक रिवर लैंड है वो जिसमें फ्रेंच विलेज आपने अभी देखा वीडियो में, फिर ये बॉलीवुड पार्क है, उसके अलावा एक और पार्क है लेगो लैंड। तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे दुबई पार्क्स एंड रिसोर्ट में मौजूद हैं। अगर आप एक जगह पे आते हैं तो आप सब जगह पे इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये पार्क अभी क्लोज है। सो ये थी सारी फ्रेंच विलेज की और बॉलीवुड पार्क के सराउंडिंग की वीडियो, दुबई पार्क की। एक्चुअली दुबई पार्क एंड रिसोर्ट में ये तीन चार चीज़ें। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी और नई जगह में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच especially to this lady for coming with me. See you guys.